हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके में हमने बेसिक्स के बारे में बात कर लिया था और हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन और फोर के अंदर आइसोमेरिज्म के बारे में बात की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल को पहले तो देखने का तरीका बता देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? एक सेंटर में मेटल होता है जिसकी सिक्स वैलेंसी होती है ना। और सिक्स क्या होती है? एक्सियल होती है। एल 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 ये होती है। ये चारों वैलेंसी एक प्लेन में होती है। ये लिगेंड अबव द प्लेन होता है। जैसे ये चारों वैलेंसी एक प्लेन में होगी, एक लिगेंड अबव द प्लेन है, एक लिगेंड बिलो द प्लेन है। चार लिगेंड एक प्लेन में, इस प्लेन में एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, इस प्रकार से होती है। तो यदि ये दोनों लिगेंड सेम हैं तो ये प्लेन हमेशा बाइसेक्ट होगी। बाकी चारों लिगेंड चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। यदि दोनों ट्रांस लिगेंड सेम है तो ये प्लेन हमेशा और हमेशा पास होगा। तो एक तो याद रखना, इफ टू ट्रांसलिगेंड इज सेम, देन POS प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट। यदि कोई भी एक ट्रांस ग्रुप, ये देखना ये लिगेंड है तो इसका ये लिगेंड सिस कहलाता है, जो 90 डिग्री पे है, और जो जस्ट इसके अपोजिट है वो क्या कहलाता है? ट्रांस। वो क्या कहलाता है? ट्रांस। तो यदि कोई भी ट्रांस लिगेंड सेम है तो उसमें हमेशा POS प्रेजेंट होगा। तो हम क्या है, मोस्टली ऐसे देखते हैं, लेकिन इसे देखने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको। जैसे मैं ऐसे बना दूं, है ना, ए ए बी सी डी ई, तो मोस्टली लोग कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे कि ये प्लेन में पास करूंगा तो ऊपर डी है, नीचे ई है, प्लेन पास नहीं होगा, प्लेन पास नहीं होगा। पहली चीज याद रखो, सभी देखो, इसके डी के सामने ई है, इसके सामने बी है, इसके ए के सामने क्या है? ए है। ट्रांस लिगेंड सेम है तो हमेशा प्लेन पास होगा, ऑलवेज प्लेन पास होगा। कोई भी दो ट्रांस लिगेंड सेम है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है इधर उधर, नो इफ नो बट, हमेशा प्लेन पास होगा। मोनोडेंटल के केस में कंडीशन और लगा ले रहा, मोनोडेंटल के केस में, है ना। अब लोग सोचेंगे कि भाई इसमें कैसे प्लेन पास हो सकता है, तो इसे देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल होता है ना, वो छः के छः बॉन्ड सेम होते हैं, छः के छः बॉन्ड एक राउंड की तरह होती है ना। तो देखना, ये दो लिगेंड सेम है तो तुम इनको 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 और इसको मिलाओगे तो ये भी क्या है, एक प्लेन ही तो है। देखना, इसे देखने का तरीका, ये प्लेन के ऊपर ए, इस प्लेन के नीचे ए, ये प्लेन बाइसेक्ट हो गया ना। तो सिर्फ ऐसे मत देखो, तीन प्लेन ऐसे भी, ये भी प्लेन पास हो सकता है। या फिर कैसा प्लेन पास हो सकता है, देखना, ए ए बी 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 बी, ये देखना कैसा प्लेन पास हो सकता है। मैं इन चारों को मिला दूं तो ये भी तो क्या है, एक प्लेन ही है। ये भी क्या है, एक प्लेन। ये ऑक्टाहेड्रल को देखने का तरीका है कि आप किस एंगल से कैसे देखते हो। एक ऑक्टाहेड्रल को कैसे देख सकते हो आप, एम ए ए ए बी बी बी, देखना इन तीनों को मिला दूं और इन तीनों को मिला दूं तो ये क्या हो गया, एक ट्राइगोनल फेस हो गया ना, एक ट्राइगोनल फेस हो गया। देखो यहां पे ये दो हैं, तो इसे ऐसे भी देख सकते हो आप ऑक्टाहेड्रल को, एक ये, इसके जस्ट नीचे ये ट्राइंगल अपोजिट, तीन दो ट्राइंगल के तरीके से भी आप देख सकते हो। यहां से देखोगे तो यहां से एक एक्सिस भी निकाल सकते हो। ये हम ग्रुप सिमेट्री में बात करेंगे, जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसकी। पर ये इसे देखने का तरीका होता है कि कैसे प्लेन निकालना है आपको, ताकि प्लेन निकालने में सुविधा हो। ये मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको प्लेन निकालने में क्या हो, सुविधा हो। इट्स विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई ए प्लेन, है ना। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में आइसोमेरिज्म की। सबसे पहले मैं बात करता हूं एम ए सिक्स की। ए का मतलब क्या है, मोनोडेंटल लिगेंड है ना, ए सिक्स की। तो एम ए सिक्स क्या होगा, एम ए ए ए ए ए ए। कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, कोई भी जियोमेट्रिकल पॉसिबल है क्या? नहीं है।
कोई ज्योमेट्रिक इसके पॉसिबल नहीं होगा। और इसमें प्लेन पास हो गई, दो कोई भी दो ट्रांस दिख जाए हमेशा प्लेन पास होगा। पीओएस है तो इनेंशियम और आइसोमर भी नहीं बनेंगे। तो मैं यहां पे एक टेबल बना लेता हूं साथ में, है ना, एम ए सिक्स ज्योमेट्रिकल इनेंशियोमर पेयर टोटल आइसोमर, है ना। तो एम ए सिक्स में क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल जीरो, इनेंशियोमर जीरो, टोटल वन, वन हो गया। अब मैं बात करता हूं एम ए फाइव बी की, तो एम ए ए ए, ये मैंने बोल दिया कि ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे बॉन्ड सेम है, कोई एक्सियल इक्विटोरियल जैसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई ये एक्सियल ये इक्विटोरियल है, कुछ भी नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में ऑल बॉन्ड इज सेम, स्पेरिकल है। तो बी को कहीं भी रखो, सेम एंगल आएगा ए के रेस्पेक्ट में, ए बी का एंगल यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ रख दूँ तो भी 90 डिग्री, यहाँ रख दूँ तो भी 90 डिग्री ए बी का एंगल। तो एम ए फाइव बी में क्या होगा, 0 0 1, है ना। अब मैं बात करता हूं एम ए फोर बी टू की, एम ए फोर बी टू, जब बी टू या बी सी दो लिगेंड की बात हो, जब चार लिगेंड सेम और बाकी दो अलग हो, जब चार लिगेंड सेम हो बाकी दो अलग हो, तो आप हमेशा क्या रखना, सिस और ट्रांस रखना, हमेशा क्या रखना, सिस और ट्रांस। यहाँ की दो स्ट्रक्चर बन सकती है, एम एक बार मैं क्या रख दूँ, दोनों बी को सिस रख दूँ, बाकी ए कहीं भी जाए अपने को क्या पता है। जब भी दो लिगेंड सेम, चार लिगेंड सेम हो बाकी दो अलग हो, तो दोनों को सिस रख दिया। दूसरी बार मैं क्या कर दूँ, दोनों को ट्रांस कर दूँ। ज्योमेट्रिकल तो दो हो गई, एक सिस हो गया एक ट्रांस हो गया, एक सिस हो गया एक ट्रांस हो गया। ज्योमेट्रिकल कितने हो गए, दो हो गए, एक सिस हो गया एक ट्रांस हो गया। अब देखो इसमें प्लेन निकाल के देखो, सीधे देखो दो लिगेंड सेम है ट्रांस वाले, दैट्स मीन पीओएस प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां देखना ये दोनों सेम है तो पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, क्योंकि प्लेन निकाल के देख लो, इसमें तो ये प्लेन निकल जाएगा, इसमें ये दोनों सेम है तो कौन सा प्लेन निकल जाएगा, ये वाला प्लेन निकल जाएगा, है ना, इसमें ये वाला प्लेन निकल जाएगा, तो ऑप्टिकल इनेक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल दो हो गए, बात कर रहा हूं मैं एम ए फोर बी टू की, ज्योमेट्रिकल दो, इनेंशियमर पेयर जीरो, तो टोटल कितनी होगी दो। कल मैंने बताया था यदि जीरो जीरो होते हैं तो टोटल एक होगा, क्योंकि खुद की स्ट्रक्चर तो रहेगी, लेकिन जैसे ही कुछ आ जाता है तो टोटल उतने ही हो जाते, क्योंकि फिर हम इसे काउंट कर लेते, क्योंकि दो स्ट्रक्चर ही बनते। टोटल का मतलब क्या है, हाउ मच स्ट्रक्चर इज पॉसिबल बाई ए मोलिकुलर फॉर्मूला, इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हुई है, दो, ऑप्टिकल कुछ है नहीं तो टोटल कितने होंगे, दो। याद रखना जब भी चार लिगेंड सेम हो और दो अलग अलग हो, इसका केस मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ मैं बी सी, ये क्या लिख सकता हूँ, एक बी और सी। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, सेम कंडीशन लगेगी, इसमें भी क्या लगेगी, सेम कंडीशन लगेगी, है ना। इस बार क्या होगा, एम बी और सी को क्या रख दो, एक बार दो सिस रख दो, और दूसरी बार क्या रख दो, बी और सी को ट्रांस रख दो। सिस और ट्रांस रख दो, वही है यहां पे देखना, ये दोनों सेम है तो पीओएस एब्सेंट है, प्रेजेंट है, यहां पे ये दोनों सेम है तो POS प्रेजेंट है, दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो ज्योमेट्रिकल दो, ऑप्टिकल पेयर जीरो, टोटल दो। इन दोनों की कहानी देखना, ये सेम है ये सेम है, तो कौन कौन से बनेंगे, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, ठीक है। अब देखना आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नए केस की तरफ। नया केस मैं लेता हूं एम ए थ्री बी थ्री, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एम ए थ्री बी थ्री, यदि मोनोडेंटल में पूछते हैं तो यही पूछते हैं। एम ए थ्री बी थ्री का देखना क्या पॉसिबल है, जब भी ए थ्री दिख जाए हमेशा एक टाइप के केस बनाना, ए थ्री जब भी दिख जाए तो तीनों एक को या तो एक फेस पे रखना या अलग अलग रखना, है ना। देख लो क्या पॉसिबल है, एम ए थ्री बी थ्री में क्या पॉसिबल है, एक बार तो मैं क्या करूं, ए ए ए, इन तीनों एक को क्या रख दिया मैंने, एक फेस पे रख दिया, ये देखना यहां पे ये एक फेस बन गया ना, ट्राइगोनल फेस,
ये क्या है? ट्राइगोनल फेस। तो एक फेस पे रख दिया तो बाकी बी रख दो, बी बी बी। दूसरी बार क्या रख दो, दोनों ए को अलग अलग रख दो, फेस पे मत रखो, ये यहां कर दो। अब कोई फेस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, तो बी कहां रखे जाएंगे? बी। ठीक है, यहां पे ये फेस पे थे, यहां पे ये फेस पे नहीं है, क्योंकि फेस तो ये है, फेस ये है, तो ये बी अलग आ गया। तो इसे तो बोलते हैं जब तीनों फेस हो तो फेशियल आइसोमर, फेशियल जिसे हिंदी में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं फेक, शॉर्ट में लिखते हैं फेक। इसे बोलते हैं मेरिडोनियल, शॉर्ट में लिखते हैं मर, फेक और मर, फेक आइसोमर, मर आइसोमर, फेशियल और मेरिडोनियल। ठीक है, अब देखना प्लेन की बात करता हूं। यहां तो आपको साफ दिख रहा है कि ए और ए ट्रांस है, तो पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये आइसोमर ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसके बात करें तो कोई ट्रांस सेम नहीं दिख रहा है, ए के बी है, ए के बी है, ए के बी है। मैंने आपको बताया कि जब कोई ट्रांस दिखता है तो पीओएस प्रेजेंट होगा ही होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ट्रांस नहीं है तो पीएस एब्सेंट हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है कि ये इजी है कि दो ट्रांस दिख रहे हैं मतलब प्रेजेंट है, सोचने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट है। लेकिन दो ट्रांस नहीं देखे तो देखो आप इसे ऐसे देखो, यहां पे एक प्लेन देखना आप, ये वाला प्लेन, ये प्लेन जाएगा तो एक बाइसेक्ट होगा, बी से बाइसेक्ट होगा। इस प्लेन के इधर ए है, बी है, इधर बी है, इधर ए है, इधर ए है, और ये प्लेन ऐसे तो आएगा ही, ऐसे तो आएगा ही ये प्लेन, है ना। देखना कैसे होगा, ये एम ए बी, ये प्लेन आएगा, एम को बाइसेक्ट करेगा, बी ए को सेक्ट करेगा, बी को बाइसेक्ट करेगा। एम के पीछे कौन है? ए। एम के आगे कौन है? ए। एम के इधर कौन है? बी। इधर कौन है? बी। तो ये प्लेन पास हो रहा है ना, ये वाला प्लेन, इधर बी, आगे बी, पीछे ए, पीछे ए, ये ए और ए बी बाइसेक्ट हो गया। तो ये भी क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो यहां पे कितने आइसोमर बने? दो, जीरो दो, ए थ्री आया। ए थ्री का केस हो तो कितने भी देखो, कहां भी जहां भी एक थ्री दिखे आप क्या बनाओ, एक फेशियल बना लो, एक मेरिडोरियन बना लो, उसके बाद आप पोजिशन चेंज करते रहो। तो यहां पर दो बनेंगे, फेक और मर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे एम ए थ्री बी टू सी की, एम ए थ्री बी टू सी की। देखना अब मैं बात कर रहा हूं एम ए थ्री बी टू सी की। ए थ्री जहां दिख जाए फेशियल और मेरिडोरियल बनाना है आपको, एम ए ए ए। अब देखना बी और सी को रखो, बी बी सी, ऐसे रख सकता हूं मैं, है ना। दूसरा मैं क्या रख सकता हूं, एम ए ए ए, मैं बी सी और बी ऐसे रख सकता हूं। अब देखना यहां पे बी और बी के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90, और यहां और बी और बी के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लेन में ये नीचे है, ऐसे और ऐसे में 90 डिग्री तो होता है, तो दोनों में 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है, सेम सेम है। तो एक आइसोमर तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, आप रखो एम, मेरिडोरियन बना दो, ए ए ए, ये बना दिया। अब मैं बी और सी को रखता हूं, तो एक बार क्या कर सकता हूं मैं, बी बी और सी रख सकता हूं, और दूसरी बार क्या रख सकता हूं मैं, एम ए ए ए, दोनों बी को मैं ट्रांस रख दूं। तो यहां देखना, यहां 90 डिग्री एंगल है, यहां 90 डिग्री एंगल है, यहां कितना डिग्री एंगल है, 180 डिग्री। तो दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया। तो तीन तो बन गए ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल कितने हो गए, तीन हो गए। अब देखो आप प्लेन, इसमें देखना कि ए और ए अपोजिट है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसमें ए और ए अपोजिट है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब यहां देखना, यहां वही बात है कि ए से सी अपोजिट तो नहीं है, तो ये प्लेन पास करके देखो आप, तो बी से बी, ए से ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये प्लेन पास होगा तो बी से बी, ए से ए, दोनों रिफ्लेक्ट हो गए, ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, और ये कितना हो जाएगा, टोटल थ्री। वही आइसोमर बनेंगे, फेक और मर, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं एम ए थ्री बी सी डी की,
एम ए थ्री बी सी डी की। देखना कैसे बनेंगे, एम ए थ्री बी सी डी। तो जब भी एक थ्री दिख जाए तो पहले एक फेसियल बनाओ फिर मेरिडोनियल बनाओ। तो पहले मैं फेसियल बनाता हूँ एम ए ए ए, तो क्या रखता हूँ मैं बी सी डी। इनकी पोजीशन आपस में कैसे चेंज करो, सब में एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, तो एक आइसोमर तो यही बनेगा है ना फेसियल से। तो अब मेरिडोनियल से बनाता हूँ मैं एम ए ए ए। अब यहाँ क्या बना सकता हूँ मैं, एक बार बी के पास क्या रख दिया सी, बी की ट्रांसफर में रख दिया डी रख दिया, एक तो यह बना सकता हूँ। दूसरा मैं क्या बना सकता हूँ एम ए ए ए, बी के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूँ ट्रांस में क्या लिख सकता हूँ सी लिख सकता हूँ। और तीसरे में मैं क्या कर सकता हूँ एम ए ए ए, एक बार बी के ट्रांस में डी आ गया, एक बार बी के ट्रांस में सी आ गया, इस बार मैं क्या कर सकता हूँ सी के ट्रांस में डी लिख सकता हूँ और बी। चार बन गए ना ज्योमेट्रिकल, कितने बन गए चार बन गए, पांचवा पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि इससे तो एक ही पॉसिबल था, इससे तीन पॉसिबल थी वो हमने बना लिए, ज्योमेट्रिकल तो हो गए अपने चार। अब देखना यहाँ पे ये दोनों ट्रांस हैं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये दोनों ट्रांस हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये दोनों ट्रांस हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कोई ट्रांस नहीं है, तो पहली कंडीशन थोड़ी। अब देखना ये प्लेन लगा के यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या है सी, प्लेन ऑप्सीमेट्री क्या है एब्सेंट है, तो ऑप्टिकल क्या होगा एक्टिव। ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, देखना देखना पहले चार ज्योमेट्रिक बनाए, अब ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिव है, तो मतलब इसका मिरर प्लेन भी बनेगा, इसका मिरर प्लेन भी बनेगा, ये जैसे ए है तो इसका मिरर प्लेन भी बनेगा है ना, इसका मिरर प्लेन भी बनेगा। तो इसके कितने बनेंगे, दो बनेंगे इनेंशियोमर पेयर, इसका एक का मिरर इमेज भी बनेगा, तो इनेंशियोमर पेयर कितने हो गए दो। देखना मैंने यहां पे लिखा इनेंशियोमर पेयर, इनेंशियोमर पेयर दो है, इनेंशियोमर आइसोमर पूछे कितने होंगे, इनेंशियोमर्स पूछे तो कितने होंगे दो, क्योंकि एक ये और एक इसका मिरर, दो पेयर कितना हुआ एक, तो टोटल कितने हो गए चार, तो ये हो गए एक इसका पांचवा पेयर बनेगा, टोटल कितने हो गए पांच, ठीक है टोटल कितने हो गए पांच। ये बात थी ए टू बी सी की, अब मैं बात कर रहा हूं ए थ्री की। ये तीन केस थे जिसमें हम क्या करेंगे फेक और मर लेके चलेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं एम ए टू बी टू सी टू की, एम ए टू बी टू सी टू की है ना, ये लास्ट है जो मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा आपको बता दूंगा कितने कितने होते हैं एम ए टू बी टू सी टू। अब देखना कैसे कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूं दो ए को शीर्ष रखूं एम ए ए बी, सबको शीर्ष रख दूं, पहली ये पॉसिबल है, सभी को क्या रख दिया मैंने शीर्ष रख दिया, सभी को मैंने क्या रख दिया शीर्ष रख दिया है ना। दूसरी क्या पॉसिबल है ए को ट्रांस कर दूं, ऑलवेज सारे शीर्ष कर दिए ए ए बी बी सी सी, सबको ट्रांस दोनों ए को ट्रांस कर दिया ये दोनों शीर्ष रख दिए, दूसरी पॉसिबल है। तीसरी क्या पॉसिबल है मैं बी को ट्रांस कर दूं ये शीर्ष रख दिया, तीसरी क्या पॉसिबल चौथी क्या पॉसिबल है सी को ट्रांस कर दूं ये शीर्ष रख दिया, और पांचवी क्या पॉसिबल है सबको ट्रांस कर दूं, सबको ट्रांस कैसे करूंगा ए के ट्रांस में ए बी के ट्रांस में बी और सी के ट्रांस में सी, सभी शीर्ष एक ट्रांस बाकी सिस एक ट्रांस बाकी सिस एक ट्रांस बाकी सिस सभी के सभी ट्रांस, और कोई पॉसिबल है क्या नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल कितने बन गए पांच, ज्योमेट्रिकल कितने बन गए पांच। अब देखना पीओएस चेक करते हैं है ऑप्टिकल इनएक्टिव, है ऑप्टिकल इनएक्टिव, है ऑप्टिकल इनएक्टिव, ट्रांस सेम है ऑप्टिकल इनएक्टिव, बिल्कुल सिंपल काम, आपको प्लेन लगाने जरूरत है, ट्रांस सेम है कोई भी ट्रांस ऑप्टिकल है। यहां देखना ए के ट्रांस में बी सी के ट्रांस में बी इसके ट्रांस में ये, ये पहले केस तो कंडीशन तो खत्म हो गई। अब आप ये प्लेन निकाल के देखो,
कुछ हो रहा है क्या? सी से सी, ए से बी नहीं आ रहा, ये प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है। ये प्लेन निकाल के देखोगे तो ए के ए, सी के बी, ये भी नहीं आ रहा, तो POS नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ये कंडीशन क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। तो पांच तो ज्योमेट्रिकल थे, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? छः। टोटल कितने हो जाएंगे? छः। ठीक है, ये हो गए। अब मैं तीन केस और आपको लिख ही देता हूँ क्या होंगे, बाकी मैं समझा नहीं रहा। तीन केस और हैं, अच्छे केस हैं तीनों, ये याद रख लेना आप। एम ए टू बी टू सी डी, ये केस हो तो आपके केस क्या बनेंगे? छः दो आठ, ज्योमेट्रिकल इनेंशियोमर पेयर, टोटल आइसोमर। एम ए टू बी सी डी ई हो तो आपके बनेंगे नौ छः पंद्रह, और सारे अलग हो, ए बी सी डी ई एफ हो तो आपके बनेंगे ए बी सी डी एक दो तीन चार पाँच एफ हो तो आपके बनेंगे पंद्रह ज्योमेट्रिकल बनेंगे, पंद्रह के पंद्रह ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, टोटल बनेंगे तीस। ये याद रख लेना, पेपर में पूछता है इसे, तो दो तीन बार पेपर में पूछा गया, सारे के सारे अलग हो। एग्जाम्पल ऐसे ए बी सी डी नहीं लिखा होगा, एग्जाम्पल कैसे आएगा? कोबाल्ट एन एस थ्री टू एच टू ओ, फ्लोरिन क्लोरिन और सी एल, इसके टोटल आइसोमर्स बताओ। तो आप देखना ये क्या है, ए टू बी सी डी ई, तो कितने बनेंगे? नाइन ज्योमेट्रिकल, छह ऑप्टिकल, पंद्रह टोटल। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ये सारे के सारे कब केसेज मोनोडेटल, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, मैंने समझा भी दिया कैसे आपको आइडेंटिफाई करने, कैसे स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बाइडेंटल की। ये तो सारे सारे क्या थे, जब लिगेंड क्या थे? मोनोडेंटल थे। सारे के सारे लिगेंड क्या थे? मोनोडेंटल थे। अब मैं बात करता हूं बाइडेंटल की। बाइडेंटल हो तो क्या होगा, और बाइडेंटल मैं स्टार्ट करता हूं टेट्राहेड्रल से, टीडी से। टेट्राहेड्रल में क्या हो सकता है? बाइडेंटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए ए से, जैसे एथिलीन डाइएमीन है ना, सी एच टू सी एच टू एन एच टू एन एच टू, इसका भी डोनर एन है, इसका भी डोनर एन है, दोनों सेम है, तो इसे कैसे करूंगा मैं? ए ए से। और जैसे ग्लाइसिनेटो है सी एच टू एन एच टू सी डबल बॉन्डो ओ, इसका ऑक्सीजन डोनर है, इसका नाइट्रोजन डोनर है, तो इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं? ए बी सी। ये तो है बाइडेंटल, और सीधा ए और सीधा बी लिखा, इसका मतलब क्या है? मोनोडेंटल इज ए वे टू रिप्रेजेंट, किसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, है ना। तो टेट्राहेड्रल की बात करूं तो टेट्राहेड्रल में तो सिंपल देखना, एम ए ए टू, टेट्राहेड्रल में कब हमने किया था? ज्योमेट्रिकल तो होता ही नहीं है कभी भी, इनेंशियोमर पेयर प्रेजेंट होता है, तो ए ए टू करूंगा तो चारों लिगेंड सेम ही हो गए, तो इनेंशियोमर पेयर जीरो, टोटल वन। एम ए ए ए टू करूंगा, ए टू करूंगा तो वही प्लेन पास होगा, देखना टेट्राहेड्रल एम ए ए ए ए ऐसा होगा, तो यहां से प्लेन पास हो जाएगा, है ना, यहां से प्लेन पास हो जाएगा, ये प्लेन पास कर दो, इन दोनों को बाइसेक्ट करते हुए कोई भी प्लेन पास हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो जीरो वन। एम ए ए ए बी, कल ही बताया था टेट्राहेड्रल में यदि दो सेम हो तो प्लेन पास होता ही है, पास होता है, यदि दोनों सेम हो तो प्लेन पास हो गए, प्लेन पास कब नहीं होता? जब चारों डिफरेंट हो, तो जीरो जीरो वन। अब मैं बात कर रहा हूं एम ए बी टू की, एम ए बी टू की, ये ए बी है वो भी ए बी है, इस टाइम में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल तो जीरो होगा लेकिन प्लेन पास नहीं होगा, टोटल कितने हो जाएंगे? दो। टोटल कितने हो जाएंगे? दो। ठीक है, एम ए बी टू, देखना एम ए पी, ए बी, इस बार कोई प्लेन पास नहीं होगा, क्योंकि इधर पास करोगे तो ये ए बी हो जाएगा, इधर पास करेगा तो ये ए बी हो जाएगा, दोनों
पास नहीं होंगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल मैंने कल भी बताया था आपको कैसे समझना है, एम ये ए बी इस प्लेन में, ये ए बी इस प्लेन में, ऐसे समझना है। यदि ऐसे पास करोगे तो ये प्लेन से ऊपर ए, प्लेन से नीचे बी, ऐसे पास करोगे तो प्लेन के इधर ए, प्लेन के इधर बी, प्लेन पास नहीं होगा तो इनेंशियोमर पेयर बनेगा, टोटल कितने हो जाएंगे दो। अब देखना एम ए बी ए टू, तो ए टू लग गया तो फिर से जीरो जीरो वन, और एम ए बी तो क्या होगा जीरो वन टू, तो यहां पे कितने इन दोनों में पेयर मिलता है। ये तो किसकी बात कर ली मैंने, टेट्राहेड्रल की, बाइडेंटल की, ठीक है, जो बहुत रेयर चांस में पूछते हैं ये दोनों मिलेंगे। स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूं मैं, तो वही पहले बात करता हूं मैं एम ए ए टू की, ज्योमेट्रिकल ईपी टी ए, यहां पे ईपी तो होता ही नहीं है, बात करेंगे ज्योमेट्रिकल तो ए ए टू में जीरो जीरो वन, दोनों क्या बनेंगे सेम ही रहेंगे, एम ए ए ए टू, ए टू रहेगा तो जीरो जीरो वन, एम ए ए ए बी। अब देखना ए बी कैसे बना सकते हो आप, एम ए ए ये ऐसे ही रहेगा, ये ए और बी रखा जाएगा। अब आप यदि ये सोचो कि मैं इसका ट्रांस बना दूं, ये बना दूं और ये बना दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे इतना स्ट्रेन हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये हमेशा हमेशा किस पे रहेंगे, सिस पोजीशन पे ही रहेंगे, ए ए है हमेशा किस पे रहेगा, सिस पोजीशन पे ही रहेगा, कभी ट्रांस पे नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन। अब मैं बात कर रहा हूं एम ए बी ए टू की, तो वही जीरो जीरो वन। अब बात कर रहा हूं मैं एम ए बी टू की, ए बी टू फेमस एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, एसी एसी हो सकता है, ग्लाइसिनेट हो सकता है, डीएमजी हो सकता है, तो ग्लाइसिनेटो में करेंगे, ए बी टू की बात करेंगे, तो यहां क्या पॉसिबल है, मैं क्या कर दूं ए बी ए बी, एक बार तो ऐसे कर दूं बी के ट्रांस में ए, और दूसरी बार क्या कर सकता हूं मैं एम ए बी बी ए ट्रांस में ये, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल कितने हो जाएंगे टू जीरो टू, यहां कितने हो जाएंगे टू जीरो टू, सिस और ट्रांस यहां कितने हो जाएंगे दो, कौन कौन से सिस, रेड से लिख देता हूं आपके थोड़ा सुविधा रहेगी, सिस और ट्रांस, और क्या केस रह गया, एक मैं बना सकता हूं एम ए बी ए बी, तो यहां पे भी क्या हो सकते हैं दो जीरो दो, कौन कौन से वही, एक बार ए के रेस्पेक्ट में बी रख दो, एक बार ए के रेस्पेक्ट में ए रख दो, सिस और ट्रांस, ठीक है, और एक मैं क्या कर सकता हूं, या ए बी टू लिख दिया एम ए बी ए ए, ए ए करेंगे तो वही हो जाएगा जीरो जीरो वन, तो यहां पे इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये दोनों एम ए बी टू और एम ए बी ए बी, इसमें क्या मिलेंगे सिस और ट्रांस मिलेंगे, बाकी में कोई आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, सारे को टोटल क्या होंगे वन होंगे। ये है बाइडेंटल की बात, किसकी, टेट्राहेड्रल की एंड स्क्वायर प्लानर की, बाइडेंटल लिगेंड में टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले लो। अब देखिए बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइडेंटल ही है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के मामले में। देखना कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की फिर से स्ट्रक्चर समझाता हूं मैं आपको, पहले बता देता हूं जो ये डेंटल है ये हमेशा सिस पोजीशन पे रहेगा, ट्रांस पे कभी भी नहीं रहेगा। अब देखना एम ऑक्टाहेड्रल ये होता है सिस रहेगा, तो इसका मतलब ये ए और ए यहां कभी नहीं होगा, यहां कभी नहीं होगा, हमेशा कैसे रहेगा एम ए और ए इस पोजीशन पे रहेगा, ये क्या है सिस है, और एम ए और ए ये क्या है सिस है, ये ऐसे कभी नहीं आएगा। पहली चीज तो ये देखना ये हमेशा सिस आएंगे, क्योंकि यहां पे बॉन्ड स्ट्रेन इतना हो जाता है
कि ये पॉसिबल ही नहीं होता, ये हमेशा किस पे रहेंगे, सिस पे रहेंगे, ये तो इस पोजीशन पे रहेंगे या ये इस पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। ये तो पहली चीज़ आपको मैंने समझा दी कि हमेशा बैठेंगे कहाँ पे, सिस पे बैठेंगे, ठीक है। अब देखना दूसरी चीज़ कि देखना कैसी है एम, दूसरा कैसे, तो केस सी ले लेता हूँ मैं ना, सबसे पहले आपका केस ले लेता हूँ, एम ए ए थ्री, एम ए थ्री का मतलब एम ई एन थ्री ले लूँ, ई एन का मतलब क्या, एथिलीन डाइमीन, दोनों नाइट्रोजन से ऐड होता है, तो ये कैसे बनेगा एम ए ए ए ए ए ए सिस रहेगा। इसका दूसरा पॉसिबल है क्या, सारे ए ही रहेंगे, तो ज्योमेट्रिकल तो दूसरा पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल तो दूसरा पॉसिबल नहीं है। अब बात करता हूँ ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीधा प्लेन लगाएंगे कि भाई ऐसे लगा दो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, कि ऐसे प्लेन लगा दो, देखो ये प्लेन जा रहा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ भाई देखना, ये देखो ये लगा है, तो ऐसे प्लेन लगाओगे कि ये बाइसेक्ट हो गया, ये ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट हो गया, पर ये प्लेन कभी नहीं होता। आप हमेशा याद रखना, जब भी ये दोनों सिस पे होंगे, कभी भी प्लेन नेवर पीओएस, पीओएस कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, चीजें समझना आप, देखना ये एम है, मैं समझाता हूँ आपको, ये एम है या ये एम है, ये ए है, ये ए है, ये दोनों है प्लेन में, ये दोनों है प्लेन में, ठीक है। ये है बिलो द प्लेन, ये है अबो द प्लेन, स्ट्रक्चर समझना इसकी, ये इधर भी क्या है अबो द प्लेन, इधर भी क्या है बिलो द प्लेन, तीन की बात ही नहीं कर रहा, एक ए यहां रखा, एक ए यहां रखा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखना, ये बिलो द प्लेन है, ये अबो द प्लेन है ना, तो आप ऐसे प्लेन पास करोगे ऐसे, तो देखना यहां ये एक कहां है, पीछे की तरफ, यहां ये कहां है आगे की तरफ, दोनों रिफ्लेक्ट होंगे क्या, दोनों रिफ्लेक्ट होंगे क्या, कभी नहीं होंगे, दोनों रिफ्लेक्ट होंगे क्या, कभी नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, ये प्लेन पीछे की तरफ है, ये प्लेन आगे की तरफ है ना, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट, ऐसे तो प्लेन पास हो ही नहीं सकता ना, ऐसे प्लेन पास करोगे तो आप ये एस बाइसेक्ट कर दोगे, ये बाइसेक्ट कर दोगे, तो आप ये देखना ये आगे की तरफ आ रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये देखना ये चीज़ें मिरर इमेज बनेगी क्या, ये मिरर इमेज कब बनती, जब ये नीचे की तरफ ही होती, तो ये मिरर इमेज कभी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, है ना, ये आगे की तरफ आ रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, देखना ये दोनों कैसे है, आपको समझाता हूं मैं थोड़ा सा, ये ऐसे है ना, और ये कैसे है, ऐसे है, ये ऐसे है ना, थोड़ा सा समझना चीज़ों को कि कैसे है, ये ऐसे है, ये दोनों यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये दोनों यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं कि ये प्लेन में निकाला तो इसका बॉन्ड तो कहाँ है, यहाँ है, इसका बॉन्ड यहाँ है, समझ रहे हो, ये देखना ये ऐसे है, ये दोनों ए ए ऊपर नीचे, ये पीछे की तरफ ही आगे की तरफ, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, मैं यदि ऐसे प्लेन काटूंगा तो ये दोनों तो आपके बाइसेक्ट हो गए, है ना, ये दोनों तो बाइसेक्ट हो गए, लेकिन ये कहाँ है यहाँ पे और ये कहाँ है यहाँ पे, तो इसका मिरर इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता, ये इसका मिरर इमेज कहाँ बनता, यहाँ बनता, लेकिन ये है कहाँ, यहाँ, तो कभी भी पीओएस पास नहीं होगा ऐसी कंडीशन में, है ना, कभी भी पीओएस पास नहीं होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। यदि ए थ्री हो या ए टू हो, ये तो ए थ्री की बात है, जो सिस ही रहेगा, ए टू सिस हो सकता है या फिर ए टू कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये तो कहलाता है सिस और ये कहलाता है ट्रांस, इस बार प्लेन पास हो जाएगा, ये देखना,
तो सिस में कभी भी प्लेन पीओएस नहीं होगा, इसमें पीओएस नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, वही आपकी एक टेबल बना देता हूं मैं साइड में, है ना। एम ए ए थ्री जियोमेट्रिकल इनेंशियोमर पेयर टोटल, टोटल तो जियोमेट्रिकल क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, एम ए ए ए ए ए ए एक ही बनेगी, दूसरी बनेगी नहीं। इनेंशियोमर और पीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्टिकल क्या है, एक्टिव है, तो इनेंशियोमर पेयर एक बनेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, दो। ये अपने आप एक इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसका पॉइंट ग्रुप भी पूछते हैं, पॉइंट ग्रुप हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा केस मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए ए टू ए टू, एम ए ए टू ए टू, इसका केस देखना, यहां पे देखना, वही मैंने बताया था आपको दो केस बन सकते हैं, एम ए ए टू ए टू के दो केस बन सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, दोनों ए क्या रहे, सिस पे रहे, एक ऐसे एक ऐसे, एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, एम दोनों ए को मैं क्या रख दूं, ट्रांस पे रख दूं, वहां पे ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं, यहां पे दोनों, एक बार तो दोनों ए सिस है और एक बार दोनों ए ट्रांस है, तो यहां तो देखो पीओएस निकलेगा, है ना, ये वाला पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकल क्या है, इनएक्टिव है। यहां देखना दोनों सिस है, तो मैंने हमेशा बता दिया जब भी दोनों ब्रिजियल सिस दिख जाए पीओएस कभी भी नहीं होगा, ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे, तो इसका इनेंशियोमर पेयर बनेगा। जियोमेट्रिकल कितने बने, दो, कौन कौन से, सिस और ट्रांस, जियोमेट्रिकल दो बने, सिस और ट्रांस, सिस वाला क्या होगा, इनेंशियोमर एक्टिव होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, थ्री। बात करता हूं मैं एम ए ए टू ए बी की, एम ए ए टू ए बी की, एम ए ए टू ए बी की बात करता हूं तो क्या होगा, वही कंडीशन बनेगी एम ए ए टू ए बी में, एम ए ए ए ए बी, एक बार तो ये बनेगा, एक बार क्या बनेगा, एम ए ए ए ए ए बी, ये बनेगा ना, तो ये तो पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां देखना लोगों को ये दिखेगा, भाई ये क्यों देख रहे हो यार, तुम ये दोनों देखो ना सेम है, ये प्लेन निकाल दो आप, ये दोनों बाइसेक्ट करते हुए आगे ए पीछे, आगे ए पीछे, तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक ऑप्टिकल, टोटल कितने होंगे, दो। एम ए ए टू ए बी की, आगे बात करता हूं मैं एम ए ए ए फोर की, यहां देखना ए ए को कहीं भी रखो, अकेला ए ए है वो यहां रखो चाहे यहां रखो कोई मतलब ही नहीं है, एम ए ए को तो कहीं भी रखो कोई मतलब ही नहीं है, एम ए ए को तो कहीं भी रखो, बाकी क्या हो जाएंगे, ए ए ए ए सारी पोजीशन हो जाएगी, तो जियोमेट्रिकल जीरो होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, प्लेन पास होगा ही होगा, जीरो होगा, टोटल कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एम ए ए ए थ्री बी की, ये केस देखना, ए थ्री जहां पे भी मैंने आपको बोला था ए थ्री दिख जाए आपको क्या करना है, फेशियल और मेरिडोरियल बनाना है, जहां भी ए थ्री दिख जाए फेशियल और मेरिडोरियल बनाना है, एम ए ए ए थ्री बी, तो एम पहले क्या होगा, फेशियल बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यहीं रहेंगे बी, दूसरा क्या बना दो, मेरिडोरियल बना दो, ए ए ए, ये ए ए चेंज हो सकते हैं क्या, ये तो यहीं रहेंगे बी, क्योंकि ये ए तो यहां कर ही नहीं सकता, तो ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, दो बनेंगे, इसमें प्लेन पास होगा क्या, प्लेन पास होगा क्या, देखना ये वाला प्लेन पास हो जाएगा, ये दोनों बाइसेक्ट, पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाला आना ही है, ये वाला प्लेन, तो पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा,
जियोमेट्रिकल दो होंगे, कौन कौन से, फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल और ए थ्री दिख जाए तो सिस्ट्रस नहीं होगा, फेशियल और मेरिडोनियल। इनशियोमर पेयर जीरो, टोटल दो। अब मैं बात कर रहा हूं एम ए ए ए टू बी टू की, एम ए ए ए टू बी टू की देखना यहां कितने पॉसिबल हैं। एम ए ए टू बी टू की, एम ए ए ए टू बी टू, तो पहले तो वही है देखना, एम ए ए को तो एक जगह फिक्स कर दूं, यहां कर दिया। एक बार मैं क्या करूं, दोनों ए को ट्रांस कर दूं, दोनों बी को सिस कर दूं। दूसरी बार मैं क्या कर दूं, दोनों बी को ट्रांस कर दूं, दोनों ए को सिस कर दूं। दो पॉसिबल है। तीसरा क्या पॉसिबल है, एम एक बार ए और बी को ट्रांस कर दूं और ऐसा कर दूं, है ना। तीन ही पॉसिबल है ना, ए ए ट्रांस कर दिया, बी बी ट्रांस कर दिया, ए बी ट्रांस कर दिया, ठीक है, तीन पॉसिबल है। तो यहां देखना, प्लेन निकाल के देखते हैं तो जियोमेट्रिकल तो तीन ही है। यहां देखना ए और ए पीओएस प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब एक बात हो तो अपन कोई सिस ट्रांस की बात ही नहीं, दोनों ए ए हैं तो सिस ट्रांस की कोई बात ही नहीं है, पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बी और बी पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी ओआई है। यहां देखना ए ए ए बी ए बी, ट्रांस तो कुछ भी नहीं है, ट्रांस तो कुछ भी नहीं है, ये प्लेन पास होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ए ए है तो पीओएस अब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जियोमेट्रिकल कितने हैं, तीन। इनशियोमर पेयर एक कितना है, एक। टोटल कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट कोस केस कौन सा है देखना तुम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट केस एम ए बी टू की, एम ए बी टू की। ए बी टू मतलब वही ग्लाइसिनेटो, तो एम ए बी टू के कितने पॉसिबल हैं, एम ए बी टू इसका देखना क्या पॉसिबल है। एक बार तो ये पॉसिबल है, सारे सिस रहेंगे, ए बी थ्री, सॉरी एम ए बी थ्री की बात कर रहा हूं, तो एक बार तो सारे सिस रहेंगे, ये तो फिक्स है ना, सभी सिस रहेंगे ऐसे, फिर ए बी, फिर ए बी। एक तो ये पॉसिबल है ए बी ए बी ए बी, ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में बी। दूसरा मैं इसका क्या कर सकता हूं, एम ए बी ए बी, ए के ट्रांस में मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया, और यहां कुछ भी रख दो, दो स्ट्रक्चर बना सकता हूं, एक बार ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में बी। दूसरी बार मैंने रूटीन चेंज कर दिया, ए बी बी ए बी ए, तो दो स्ट्रक्चर बन गए, जियोमेट्रिकल तो दो बन गई, जियोमेट्रिकल तो दो बन गई। अब देखना सिस है ए थ्री हो, ये मैंने बताया था ए ए थ्री हो तो कभी भी पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, तो ए बी थ्री है तो कभी भी पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, तो दोनों ऑप्टिकल क्या है, एक्टिव है, तो इनशियोमर पेयर कितने बन जाएंगे, टू। इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, चार। अब मैं बात करता हूं एम ए बी टू ए टू की, एम ए बी टू ए टू की, इसके देखना जियोमेट्रिकल आपके बनेंगे पांच, इनशियोमर पेयर तीन होंगे, आठ। फिर मैं बात कर रहा हूं एम ए बी टू ए बी की, इसके जियोमेट्रिकल बनेंगे छह, एक्टिव होंगे पांच, टोटल बनेंगे ग्यारह, ठीक है। ये टेबल आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट तीन ही चार ही हैं पेपर में पूछने लायक, एक ये एक ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक ये, ठीक है। ये है अपने बाइडेंटल की कहानी, कहानी बाइडेंटल की, कहानी बाइडेंटल की। जैसे तीन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक तो मैं पूछ रहा हूँ सी ओ या सी आर ई एन थ्री स्टीरियो आइसोमर सी आर ग्लाइसिनो थ्री
स्टीरियो आइसोमर और एक CrEN2NH3 2। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखना EN3 EN क्या होता है, CH2 CH2 NH2 NH2, यही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा CrAA3, और AA3 इसका मतलब क्या है, टोटल स्टीरियोमर्स कितने होंगे, दो। इनेंशियोमर्स जियोमेट्रिकल जीरो, इनेंशियोमर दो, दोनों के दोनों क्या है इनेंशियोमर्स या ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल जीरो है। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो क्या होता है NH2 CH2 CO-, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा CrAB3 में क्या है, जियोमेट्रिकल कितने होते हैं दो, दोनों के दोनों ऑप्टिकल, दोनों के दोनों ऑप्टिकल, तो इनेंशियोमर पेयर कितने होते हैं दो, और टोटल कितने होते हैं चार, टोटल कितने होते हैं चार, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट केस CrEN2NH3 2, तो एक तो ये याद रखो शायद कौन सा केस है, CrAA2A2 का केस है, वरना देखो बना के देखो CrNNNN सिस रख सकते हो, NH3 NH3 ये रख सकते हो, दूसरा क्या रख सकते हो CrNNNNNNH3 NH3, ये दो तो लोग तुरंत बना लेते हैं कि ये सिस है ये ट्रांस है, दो ज्योमेट्रिकल है सिस है और ट्रांस है, और लोग क्या कर देते हैं दो कराते हैं जल्दबाजी में, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि भाई ये ट्रांस है इससे तो प्लेन पास हो रहा है, लेकिन सिस से कभी प्लेन पास होता है क्या, जब ये दोनों सिस हो तो POS कभी भी नहीं होगा, ऑप्टिकली क्या होगा एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, ये इनेंशियोमर पेयर भी बनेगा, EP भी बनेगा, टोटल कितने हो जाएंगे तीन, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई बाइडेंटल की, है ना। अब देखना आपसे मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करता हूँ, कुछ स्पेशल केसेस की बात करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आजकल उन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको पहले दिन क्या बताया था, कल की क्लास में क्या बताया था कि स्क्वायर प्लानर POS रखता है तो ऑप्टिकली क्या होता है इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, लेकिन मैंने उसमें आपको लिखा था जनरली हमेशा नहीं होता, आज मैं इसका ऑप्टिकल एक्टिव केस बताता हूं आपको क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव केस बताता हूं क्या है। देखना मेरे आपके सामने स्ट्रक्चर बना दी मैंने PT NH2 O C double bond O NH2, ये NH2 O C double bond O, ये तो क्या थी PT GLY, NH2 CH2 C double bond O मैंने क्या था GLY, ये तो था PTG। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ एक CH3 लगा दूँ और एक CH3 लगा दूँ, ये लगा दिया मैंने, दूसरा एमिनो एसिड चेंज कर दिया है ना, एमिनो एसिड मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया यहाँ पे CH3 लगा दिया है ना, ग्लाइसिनेटो के बाद यदि CH3 लगा दूँ तो कौन सा आता है जो भी एमिनो एसिड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेज पे लगा दिया तो ये डेस पे क्या होगा हाइड्रोजन होगा, डेस पे क्या होगा हाइड्रोजन होगा। इसका मुझे यदि आइसोमर्स बनाने हो तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ, देखना एक तो कंडीशन ये बना सकता हूँ है ना, दूसरी मैं क्या बना सकता हूँ PT NH2 O C double bond O NH2 O O double bond O, दोनों वेज पे थे। दूसरी बार मैं क्या कर सकता हूं आपका, इसे तो मैं वेज पे रख दिया CH3, और इस CH3 को मैं क्या कर सकता हूं ट्रांसपे कर सकता हूं, तीसरी बार देखना
पी टी एन एन एच टू वेज पे सी एच थ्री, इसे मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, कैसे, ओ एन एच टू सी एच थ्री, है ना। और चौथी बार क्या कर दिया मैंने, इसे रोटेट कर दिया एक, तो ये इसे मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो देखना, जब ऐसा केस आया आपके पास ग्लाइसिनेटो की जगह एक मैंने लिगेंड एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ज्योमेट्रिकल कितने बन गए, चार बन गए ना। ज्योमेट्रिकल आपके सामने चार है, दोनों सी एस थ्री ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ट्रांस, दोनों ट्रांस और इसमें भी ट्रांस, तो ज्योमेट्रिकल कितने बन गए, चार बन गए, ज्योमेट्रिकल चार हो गए। तो अब देखना क्या पॉसिबल है कि चारों स्क्वायर प्लानर है ना, पीटी स्क्वायर प्लानर बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर है, तो मैं अब ये सोच के बैठ जाओ कि स्क्वायर प्लानर तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो आप बिल्कुल गलत कर दोगे। यहाँ देखना प्लेन, इस बार यदि मैं ये प्लेन पास करता हूँ तो प्लेन पास नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कौन है, सी एस थ्री, नीचे कौन है, हाइड्रोजन। यदि मैं ये प्लेन लाता हूँ तो ये बाकी सब तो बाइसेक्ट हो गई, इस प्लेन के ऊपर कौन है, सी एस थ्री, नीचे कौन है, हाइड्रोजन, ये प्लेन पास होगा क्या, नहीं होगा। तो मोलिकुलर प्लेन यहाँ पे है क्या, मोलिकुलर प्लेन है क्या, नहीं है। कौन सा प्लेन है यहां पे देखना, ये प्लेन, ये वाला NH2 NH2 OO, ऊपर भी CH3 ऊपर भी CH3, प्लेन प्रेजेंट है, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। यहां ये वाला प्लेन है, समझ में आ रहा है ना प्लेन कौन सा है, यहां ये वाला प्लेन है, ये वाला CH3 ऊपर CH3 ऊपर, लेकिन यहां ये वाला प्लेन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब तो बाइसेक्ट हो जाएंगे। CH3 ऊपर CH3 नीचे प्लेन है क्या, यदि मैं ये वाला प्लेन लगाऊं यहाँ पे, तो ये CH3 तो कहाँ है, ऊपर है, और ये CH3 कहाँ है, नीचे है, ये CH3 तो नीचे है, ये CH3 ऊपर है, ऐसे है ये दोनों। तो ये वाला प्लेन लगाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो यहाँ पे POS एब्सेंट है, तो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका क्या बनेगा, इनिशियोमर पेयर बनेगा। अब देखना यहाँ पे ये प्लेन पास हो सकता है, क्योंकि ये CH3 इधर है, तो इसका रिफ्लेक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो POS एब्सेंट है, इनिशियोमर पेयर बनेगा, यानी कि ऑप्टिकली क्या है, ये एक्टिव है। यहां देखना POS है क्या, नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से देखना, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, इधर नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन, ऊपर CH2 नीचे CH2, यहां क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो चार बने ज्योमेट्रिकल, दो ऑप्टिकल इनएक्टिव, दो ऑप्टिकल एक्टिव, तो इनेंशियोमर पेयर कितने बने, इनेंशियोमर पेयर टू, टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, सिक्स। ये केस है इंपॉर्टेंट, टोटल आइसोमर्स सिक्स, चार ज्योमेट्रिकल दो इनेंशियोमर पेयर, टोटल सिक्स। टोटल सिक्स में से आपको ऑप्टिकल एक्टिव पूछे तो, ऑप्टिकल एक्टिव पूछे तो कितने हैं, चार, और ऑप्टिकल इनएक्टिव पूछे तो कितने हैं, दो, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इनके जो मिरर इमेज है वो भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव पूछे तो चार है, ऑप्टिकल इनएक्टिव पूछे तो दो है, टोटल छह है, इनेंशियोमर पेयर दो है, ज्योमेट्रिकल चार है। ये जो आपस में ज्योमेट्रिकल है, वो दोनों पेयर आपस में क्या होंगे, इनेंशियोमर पेयर होंगे, ठीक है। ये है आपका एक स्क्वायर प्लानर का एक्टिव केस, है ना, कि कैसे होगा। अब बात करता हूं मैं ये दो केसेस की और, ऑक्टाहेड्रल पॉलीन्यूक्लियर। अब बात करता हूं मैं ऑक्टाहेड्रल पॉलीन्यूक्लियर, जिसका एग्जांपल है एफ ई ओ एच टू, एफ ई ओ एच टू, या हाँ ओ एच टू
H2O4 की 2 या फिर FeOH2 ये वाला, ये केस की बात कर रहा हूँ, या इसे लिख सकता हूँ मैं Fe2OH4H2O6, ये केस है। ये है पॉलीन्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है? जब भी पॉलीन्यूक्लियर है तो ये ब्रिज का काम करेगा OH का, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? Fe, दो Fe हैं तो ब्रिजिल जुड़े हुए हैं, तो H2 और OH में ब्रिजिल का काम कौन करेगा? OH करेगा हमेशा, ये काम करेगा, क्योंकि H2 से OH पहले करता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम MOT पढ़ेंगे इनकी, कि OH ज़्यादा ब्रिजियल होता है H2O से, ठीक है। तो इसकी एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, देखो ये तो फिक्स है, अब बाकी रखना है, बाकी OH क्या रख सकते हो आप? दो OH यहाँ रख सकते हो, दोनों OH क्या रख सकते हो? सिस रख सकते हो, बाकी क्या हो जाएंगे? H2O, पहली स्ट्रक्चर तो ये हो गई, पहली तो ये हो गई, दूसरी क्या है? दोनों OH ट्रांस रख दो, Fe OH और OH, H2O, दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। तीसरी ज्योमेट्रिकल क्या बनेगी? यहाँ पे भी मैं H2O और H2 कर देता हूँ। तीसरी ज्योमेट्रिकल क्या बनेगी? Fe OH Fe, एक OH तो इधर हो और एक OH इधर हो, दोनों OH की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, है ना। अब H2O ये हो सकता है, एक OH इधर हो और एक OH इधर हो, और दूसरी बार क्या हो सकता है? ये इधर हो तो ये इसके जस्ट इधर हो, चार स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, चार स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, 1 2 3 4, तो ज्योमेट्रिकल कितने बन गए स्ट्रक्चर के? 4। अब चारों की ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करते हैं, तो देखना ये ऑक्टाहेड्रल है, ये दोनों ट्रांस सेम है, ये दोनों ट्रांस सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये दोनों ट्रांस सेम है, ये दोनों ट्रांस सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों ट्रांस सेम है, ये दोनों ट्रांस सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों ट्रांस सेम है, ये दोनों ट्रांस सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो चारों क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस स्ट्रक्चर के जियोमेट्रिकल कितने बनेंगे? 4। ऑप्टिकली कितने और इनेंशियमर पेयर कितने बनेंगे? 0। टोटल कितने बनेंगे? 4। टोटल कितने बनेंगे? 4। ये किसकी बात है? पॉली न्यूक्लियर केसेज की बात है, पॉली न्यूक्लियर केसेज की। अब मैं लास्ट केस की बात करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे गेट 2019 में पूछ भी लिया, जिसे गेट 2019 में पूछ भी लिया, किसकी? ब्रिजियल की। मैं बात करूँ ब्रिजियल की, किसकी? CO NH2 NO2 CO EN2 और EN2, इस केस की बात करूँ कि इसमें क्या पॉसिबल है, तो देखना ऑक्टाहेड्रल होगा तो क्या बनेगा? CO, ये तो यही रहेगा, ब्रिजियल आपको दे रखा है, क्या हो सकता है? एक बार ये EN क्या हो? यहां हो N और N, दूसरी बार भी ये N और N इधर हो, इसे मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं ना, देखना इसे मैं करता हूं डैश 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 पे N, वेज पे N और N ये इधर हो, और ये मैं क्या करता हूं डैश पे N
और वेज पे एन। एक तो मैं इसकी ये जियोमेट्री बनाता हूँ है ना, और दूसरी मैं इसकी क्या बनाता हूँ, सी ओ एन एच टू एन ओ टू सी ओ। देखना इस बार एक एन यहां है तो इसके वाला यहां ऐड हो रहा है ना, और एक एन यहां है, एक एन यहां है तो इसके वाला यहां ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहां पे वही कंडीशन बना दी मैंने, एन और एन ये यही ऐड हो रहा है और ये एन और एन यही ऐड हो रहा है। कंडीशन समझ रहे हो, ये देखो एन लीनियर पे है तो ये डेस पे है, ये लीनियर पे ये डेस पे दोनों सेम है, ये दोनों वेज पे ये दोनों वेज पे। यहाँ पे ये दोनों देख रहा, ये नाइट्रोजन डेस के साथ कनेक्ट है तो ये नाइट्रोजन वेज के साथ कनेक्ट है, ये नाइट्रोजन डेस के वेज के साथ कनेक्ट है तो ये नाइट्रोजन डेस के साथ कनेक्ट है, ऐसी दो बना दी। अब देखना यहाँ से ये प्लेन गुजर जाएगा, ये प्लेन गुजरेगा तो दो जियोमेट्रिकल बन गए। जियोमेट्रिकल कितने हो गए, दो हो गए। जियोमेट्रिकल कितने हो गए, जियो दो हो गए। यहां से ये गुजरेगा तो ये देखना रिफ्लेक्ट, ये नाइट्रोजन पीछे की नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पीछे की नाइट्रोजन है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नाइट्रोजन आगे का नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आगे का नाइट्रोजन है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहां क्या है, ये POS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव है, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन यहां पर यह प्लेन पास होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है पीछे की तरफ, इसका कहां है आगे की तरफ, तो ये POS नहीं निकलेगी, ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज। तो इनेंशियोमर पेयर कितना हो गया, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो इसका एक पेयर बनेगा, एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बनेगा, टोटल कितने हो गए, तीन। तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तीन, जिसमें से ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल तीन है ऑप्टिकली इनएक्टिव, कितने हैं, एक ये, और एक्टिव कितने हैं, दो, ये दोनों क्या है एक्टिव। ये आया है आपका गेट 2019 में, ये आया है गेट 2019 में, ये है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ब्रिजियल कंपाउंड, जो बहुत अच्छा केसेज है, गेट में पूछ कर नेट में पूछ सकता है आगे कभी भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब बात करते हैं अपन एक लास्ट केस की, एम जी ई डी टी ए है ना माइनस टू, इसकी बात करता हूँ। एक्जेडेंटल है, एक्जेडेंटल है तो साइक्लिक बनेगी, साइक्लिक बनेगी तो जियोमेट्रिकल तो हमेशा वन ही होगा, जियोमेट्रिकल तो हमेशा क्या होगा, वन ही होगा। और ज्योमेट्रिकल वन होगा तो इसकी क्या होती है, देखो एम जी ये ऐड होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ये ऑक्सीजन से है ना, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से है ना। और ये कनेक्ट कैसे रहता है नाइट्रोजन से, ये वाला कनेक्ट आएगा या फिर है ना, और ये वाला कैसे आएगा नाइट्रोजन से, ये वाला कनेक्ट आएगा, ये कैसा आएगा नाइट्रोजन से, ये वाला कनेक्ट आएगा, और ये कैसा आएगा नाइट्रोजन से, ये वाला कनेक्ट आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर तो हमेशा फिक्स ही रहेगी क्योंकि ये हमेशा सिस पोजिशन पर रहेंगे, ये यहाँ रहेगा तो ये इसके साथ सिस पे ही रहेगा, ये रहेगा तो सिस पे रहेगा, ज्योमेट्रिकल एक होगा और ये सारे सिस है तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इनेंशियोमर पेयर भी कितना बनेगा, वन बनेगा, टोटल कितने होंगे, दो। यदि इस केस का पूछ ले तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक ज्योमेट्रिकल एक इनेंशियोमर, टोटल कितने बनेंगे, दो। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या कैसी होती है, इसके स्ट्रक्चर भी पेपर में कई बार पूछ लेता है बनानी, टोटल दो होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखना कैसे बनती है। एम जी एन सी एच टू CH2N ये होता है,
एबिसेन से दो कनेक्ट होते हैं, क्या क्या कनेक्ट होते हैं देखना। एक कनेक्ट होता है आपका CH2 OC डबल बॉन्डो। एक यहाँ पे कनेक्ट होगा, देखना क्या होगा। मैं यहाँ से बॉन्ड ला रहा हूँ, ये वाला है ना, OC डबल बॉन्ड OCH2, ये वाला। इसी प्रकार OC डबल बॉन्ड OCH2, ये वाला। और इसी प्रकार OC डबल बॉन्ड OCH2, ये वाला। ये से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जियोमेट्रिकल वन, ऑप्टिकल वन, इसका याद रखना, जियोमेट्रिकल वन ही बनेगा, सारे के सारे बाइडेंटल है तो ऑप्टिकल इनेंशियोमर पेयर क्या बनेगा, वन बनेगा। टोटल कितने बनेंगे, दो, और दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। ये अपनी है आइसोमेरिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।